सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज की 416वीं शहीदी दिवस के मौके पर ट्विन सिटी के सिख समुदाय ने जगह जगह मीठा शरबत का वितरण किया। गुरु अर्जुन देव ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने में अपना योगदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत में अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। सिखों का जन्म या इस कौम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धर्म की रक्षा और धर्मांतरण जो हो रहा था उस समय उसको रोकने के लिए ऐसे ही धर्मांतरण कर रहे थे जहांगीर, जो कि अर्जुन देव जी के काल में धर्मांतरण बहुत कम गति से हो रहा था और धर्मांतरण की जरूरत किसी को भी इसलिए पड़ती थी कि वो राज कर सके, वहां पर अपनी सत्ता को चला सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इस वजह से गुरु अर्जुन देव जी को वहां पर सजा दी गई और चंगेज खान जैसे सजा देता था, बिना खून बहाए किसी को मारना, वैसे ही उन्होंने सोचा कि हम इनके साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो पहले दिन उनको खाना नहीं दिया गया, उनको प्यासा रखा, उनको भूखा रखा और दूसरे दिन फिर उनको बड़ी कढ़ाई में उनको उबलते हुए पानी में डाल दिया गया, जिससे कि बहुत ज्यादा छाले पड़ गए थे, उनके चमड़ी बहुत ज्यादा छीण हो गई थी। और उसके बाद भी तीसरे दिन एक गर्म तवे पे उन्हें बिठाया गया और ऊपर से गरम गरम रेत डाली गई। उस समय एक शायर ने कहा था कि सब चीज जल रही है, सब गरम है, ठंडा है तो सिर्फ गुरु अर्जुन देव जी का दिल, उनका कलेजा। उसके बाद चौथे दिन जब गुरु अर्जुन देव जी ने बोला कि मैं नहाना चाहता हूं, तो वहां पर लोग बोले कि अब नहाएंगे और ये वहीं पर अपना देह त्याग देंगे। लेकिन वो गए, अंदर गए, डुबकी लगाई, चारों तरफ से वो उनका पहरा था, उन्होंने अंदर डुबकी लगाई, फिर वो बाहर नहीं निकले और वो उनके हाथ में नहीं आए, मतलब वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही अंतर ध्यान हुए थे, ये पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी भी ऐसे ही अंतर ध्यान हुए और दसवें हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी वो भी ऐसे ही अंतर ध्यान हुए। दोस्तों, किसी भी धर्म में या किसी भी ग्रंथ में, भले वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि आप जबरिया आप धर्मांतरण करवाएं, और जबरिया धर्मांतरण करवाना सबसे बड़ा अधर्म है। आज हम गुरु अर्जुन देव जी की याद में, उनके शहादत दिवस में हम उनको याद कर रहे हैं, हम और उनसे हम सीखें धर्म के लिए, समाज के लिए क्या ठीक होता है वो हम करेंगे।